हेलो दोस्तों, कैसे हो। न्यू वीडियो स्वागत है। इस वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ कि जैसे हम काफ़ी बड़ी जो गाटर होती हैं और जो उसमें कुछ मशीन का पैसा खर्च होता है, उसको पैसे को किस तरीके से बचा सकते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है, कितनी हमारी लेबर लग जाती है। तो मैं इस वीडियो में दिखाऊँगा आपको किस तरीके से गाटर का काम किया जाता है, काफ़ी जो बड़ी गाटर होती है वो किस तरीके से खड़ी करते हैं, तो इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, इस गड्ढे की करीब गहराई देख रहे हैं आप, इसकी एक फुट की करीब गड्ढे की चौड़ाई है, और उसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई है जो हमारी 6 फुट जमीन से इसके 6 फुट गया है, जहाँ हम इसकी डोल लेवल लगाएंगे, उसकी 6 फुट गड्ढा की गहराई है, और उसकी चौड़ाई की बात करें तो 1 फुट का इसकी चौड़ाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस तरीके से हम पहले कच्ची गिट्टी का काम उसमें कार्य कर लें, कच्ची गिट्टी करवा के ढंग से उसको कटाई करवा के इस तरीके से आप एक पिछला करीब उसमें RCC का काम कर सकते हैं। इस तरह RCC बनवा के उसमें कुछ ढोमट चला रहा है, एक बार ढोमट चला के उसको फिक्स कर लें। उसके बाद आपको करना क्या, इस तरीके से तैयारी करना किस तरीके से इसमें हमारी जो गाटर में क्या क्या लगने वाला है, और किस तरीके से उसको गाटर को हम खड़ी करेंगे, उसमें कितने हमारे मजदूर लग जाएंगे, किस तरीके से उसको खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ कि हम इस तरीके से ध्यान रखना है कि हम जब कोई भी चीज़ आप लोगों का काम करते हैं तो उस पर फुल तरीके से उसमें ताकत और फुल तरीके से उसमें दिमाग काम करना पड़ता है। तो क्या होता है उसमें कि अगर थोड़ा भी लापरवाही रखते हैं तो हमारा नुकसान उसमें हो सकता है, किसी लेबर वगैरह के लग सकते हैं। तो इस तरीके से आप नहीं रखें बिल्कुल भी, फुल तरीके से आप दिमाग का इस्तेमाल करें, फुल तरीके से जो हमारी जो बल्ली वगैरह लगती है, किस तरीके से जैसे हमारी लेबर लगती है, किस तरीके से आपको किस तरीके से गाटर का काम करना है। तो इस वीडियो में आपको फुल तरीके से बताऊँगा लास्ट से तक, ये जो गाटर साइज चल रहा है हमारा, कुछ इस पर कोई होटल का काम है, इसमें क्या होगा, ये राजगार्डन के नाम से होटल है आगरा में, तो इस तरीके से इसमें हमारा स्टेज का इसमें जो गाटर खड़ी करे जाएंगे, स्टेज का कुछ काम होने वाला है। इसमें जो हम गाटर लगाएंगे, करीब हमारी ज़मीन से करीब हमारी गाटर जाएगी करीब 25 फुट ऊँची, और ज़मीन से जो हम खड़े हुए हैं इस तरीके से करीब 25 फुट हाइट जाएगी गाटर की। तो उस पर क्या होगा, आगे प्लेटफॉर्म जो पत्थर का काम चल रहा है इस पर, लाल पत्थर का, इस पर क्या होगा कि प्लेटफॉर्म बना जाएगा इसमें स्टेज के लिए 4 फुट ऊँचा, तो उसके बाद में स्टेज का इस पर काम कुछ होगा डेकोरेशन वगैरह का। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गाटर जब हम खड़ी करते हैं तो किस तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमने ये अपने पैप पकड़ रखा है सामने, क्या उनका होता है जो हम पैप पकड़ते आगे तो उसमें हम गाटर लगाते हैं, तो ये गाटर खड़ी करते हैं तो उसमें अंदर धस नहीं पाती है ज़मीन में, अगर पैप अगर नहीं लगाएंगे तो आगे गाटर ज़मीन में घुस जाएगी, क्यों ज़मीन में घुस जाएगी तो जो मिट्टी जो होती है उसमें अंदर आ जाती है। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि कुछ हम गाटर जब हम खड़ी करते हैं तो वो गाटर का जो सामने लोड पड़ता है तो वो मिट्टी में घुस जाती है, गड्ढे में जाती है, तो उसमें क्या होता है जैसे हम पाइप के ऊपर गाटर टिक जाए तो वो पाइप के सहारे के हिसाब से नीचे चले जाए रखें, हमारी जो मिट्टी होती है वो नहीं खुद पाएगी, खुदेगी तो अंदर जाएगी गड्ढे में, कोई फायदा नहीं होगा उससे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका गाटर जब खड़ी करते हैं तो इस तरीके से आप कुछ तख्ता वगैरह होता है जैसे पाइप वगैरह होता है कुछ आप लगा सकते हैं। तो आप देख रहे किस तरीके से गाटर की लंबाई है, देखो किस तरीके से धोखा हो सकता है, इसमें कुछ धोखा हो गया था थोड़ा सा, तो इसमें हमारे जो मजदूर लोग हैं थोड़े इसमें क्या होता है कि ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ऊपर से पैप टूट गया और बच गए तो उससे बहुत काफ़ी लग सकती, चोट भी आ सकती थी, तो इसका विशेष ध्यान रखना क्या, क्यों काफ़ी हार्ड है इसकी गाटर की, और इसमें वजन भी इसकी काफ़ी है करीब, इसमें इसकी जो वजन की बात करें तो कम से कम हमारे हिसाब से इसमें गाटर में वजन होगा करीब 1.5 क्विंटल से कोई वजन बैठेगा इसमें गाटर में। तो दोस्तों, आप अजीब भी कार्य करना है तो उसको विशेष ध्यान आपको रखना है, और इसका क्या होता है कि जैसे गाटर खड़ी करने में ताकत का भी फुल काम पड़ता है, और उसका विशेष ध्यान आपको रखना है। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो लास्ट से सुन तक, और दिखाता हूँ आगे के लिए क्या होता है, देखते रहें वीडियो को। तो दोस्तों, इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि इसका जो साइज क्या रहेगा गाटर का खड़ी करने के लिए, उसमें बिट क्या रहता है वो भी आपको बताऊंगा, कुछ देर के लिए आप वीडियो को देखते रहें, तो मैं आगे मिलता हूँ इस वीडियो में।
तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे अगर गाटर हमारी कंप्लीट हो जाती है खड़े करके, उसके लवा सूंत का और सावल का जो काम फिक्स हो जाता है, तो उसमें करना क्या, आपको जो गिट्टी कंक्रीट का काम कर रहे हैं तो उसको फुल तरीके से एक्रूड उसको नीचे से भर के लाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ईंट वगैरह कुछ भी लगाएं, उसको फिक्स तरीके से उसको भर के लगाएं। इस गड्ढे की चौड़ाई की बात करें तो इसका गड्ढे की चौड़ाई है कमरी 1 फुट बाई 1 फुट का गड्ढा है इसका साइज, तो उसको हम फुल तरीके से उसको भर के लेके आएंगे नीचे से। और उसकी कंक्रीट की बात करें तो आप कंक्रीट का काम कम से कम उसको 30 सीमेंट वहाँ को चलाना होगा, करीब 5 एक का माल का इसमें चलाना है। तो दोस्तों इसका विषय रखना है आपको, जब माल उसको भर के ला के आ रहे हैं तो उसको फुल तरीके से उसको भर के लेके आना है, क्योंकि उसमें जो होता है कि उस पर कुछ ऐसे उसमें कुछ फर्नीचर का उसमें काम होने वाला है, तो उस पर लोड आएगा तो उसमें मजबूती होनी चाहिए, क्योंकि उस पर जब बनेगा तो डेकोरेशन का उस पर काम होना है, तो बहुत काफ़ी इसमें फर्नीचर का काम होना है, लोड भी आएगा इस पर। तो दोस्तों इसका विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देख रहे हैं इस टाइम हमारा जो लड्डू बनने का टाइम है, तो इसके हमारी जो लेबर के जो बच्चे हैं वो हमारे पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि लड्डू खाने के लिए इसमें लड्डू भी इस पर इस टाइम बटने वाले हैं, और आपको भी खाने हैं तो आप भी आ सकते हैं। और इस टाइम क्या है तो मिलते हैं हम वीडियो में आगे। तो दोस्तों सारी हमारी जो गाटर थी खड़ी हो चुकी है इसमें, और इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें हमारा करीब 5 गाटर का काम होता है, 5 गाटर हमारी कंप्लीट इसमें हो चुकी है, तो इसमें हमारा जो कंक्रीट का काम है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि हम जो वीडियो डालते हैं आपके लिए, क्योंकि वो आपको फुल वॉच करनी चाहिए और उसमें समझना चाहिए इसमें क्या हमें इसमें क्या मिल सकता है। तो दोस्तों इसका विषय रखना है आपको कि करना क्या है, तो इसमें क्या है कि हमारे जो अगर हमारी जो गाटर खड़ी कर रहे हैं इसमें ये इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि
शॉटों की जो वाटर होती हैं, एक वाली इधर कोने वाली, इधर शॉट कोने वाली, तो इसमें क्या है कि आपको सूट एक गाटर से गाटर बांध के जो बीच के जो गाटर सेंटर होता है उसका आप एक ही सूट के हिसाब से उसमें खड़े कर लें, क्योंकि उसमें सावल का जो काम करना है आपको सावल का भी काम करना पड़ेगा। उसको विशेष ध्यान रखना है कि आपको सावल और सूट का बिल्कुल एक्यूरेट रखना है कि हमारे जो सूट बना हुआ है आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हमारा जो एक्यूरेट इसमें गाटर खड़ी हुई है ये एकदम सूट के हिसाब से खड़ी हुई हैं, क्योंकि जब हमारा फर्नीचर लगेगा तो उसमें अप डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे पीछे हो जाए गाटर तो उसमें फर्नीचर लगाने में बहुत दिक्कत उनको आ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाया कि गाटर किस तरीके से खड़ी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारे गड्ढे थे हमारे फुल नीचे तक इसमें भर के माल से फुल तरीके से भर के आएँ, क्योंकि आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप माल भर रहे हैं तो उसको फुल तरीके से, कि आप छोटा सा आ जाए तो उसको फुल तरीके से उसको भर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें वीडियो में हमारा बताना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो हमारा जो स्टेम पूरा हो चुका है कार गाटर खड़ी करने का, तो कैसी लगी हमारी वीडियो, तो हमारी गाटर भी काफ़ी खड़ी हो चुके हैं, इस पर स्टेज बनेगा तो आपको वो भी हम दिखा सकते हैं और आपको मिलेगी, तभी आप चैनल हमारा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, आपके पास पहुँच जाएगी।